आज प्रयागराज में हुआ भारी बवाल, दंगाइयों के द्वारा हुई जमकर पत्थरबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। अटाला चौराहे के आसपास का मामला है जहां पर बहुत बड़ा बवाल हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि दंगाई अटाला से करेली की तरफ पीछे जा रहे हैं, साथ ही पथराव के बाद आगजनी भी कर रहे हैं। पीएसी की गाड़ी में आग लगा दी, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी फूंक दी। दंगाइयों के द्वारा की गई पत्थरबाजी में रोड पर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी फूटे और गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। प्रयागराज में हालत काफी तनावपूर्ण है। हालत को बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारियों के द्वारा की गई पत्थरबाजी में काफी जवानों को और पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। करने वाले लोग यहाँ आ गए हैं और अब जो लोग हैं अब लगातार ये मुख्य सड़क पर आ रहे हैं। अभी तक तो गलियों पर ही थे, लेकिन अब मुख्य सड़क पर यहाँ पर आकर लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो एक तरफ आरएएफ के जवान बॉडी प्रोटेक्टर के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं उनकी तादाद। प्रयागराज में हालत काफी तनावपूर्ण है। हालत को बिगाड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया और मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर अटाला चौराहे के आसपास अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजी गई। प्रयागराज जिले में हुई घटना के संबंध में जिलाधिकारी प्रयागराज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा क्या जानकारी दी गई, आइए सुनाते हैं। अच्छा, ये जो अटाला एरिया, यहाँ पर सब कुशल नमाज अदा हुई है और यहाँ काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है जिन्होंने नमाज पीसफुली अदा किया, लेकिन नमाज के बाद कुछ नए लड़के 15-20 यहाँ गलियाँ हैं, सारी गलियों में इकट्ठा होके पहले हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद पथराव शुरू किया और पथराव के बाद पुलिस फोर्स यहाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद थी और उसने हल्का बल प्रयोग करके बिल्कुल ये जो बवाल था इसको अच्छे से कंट्रोल किया है। अब स्थितियाँ पूरी तरीके से कंट्रोल है और अब हम लोग एहतियात के तौर पे हमने बहुत बड़ी संख्या में फोर्स को बुला लिया है, तो जो हर चप्पे पर रहेगी और यहाँ शांति व्यवस्था और अमन सुनिश्चित करेगा। एक छोटा ट्रॉली है जिस पे आग लगाने की बात आई थी, जो साइकिल ट्रॉली होता है जो ख़राब पड़ा था रोड किनारे, तो उसको आग को बुझा लिया गया है और चीज़ है बिल्कुल नियंत्रण। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी और चोटों की बात करें तो हमारे एका सिपाही को पैर में चोट आई है। सर आपको भी चोट आई? ना ना, हम दिया है थाना खुल्दाबाद करेली, इनका बॉर्डर लगता है, आईडी नीचे था भाई। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, करीब 2 बजे का टाइम था। चूँकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है, उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया, उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे शामिल थे, उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया, सभी लोग वापस चले गए। लेकिन उसके बाद भी चूँकि काफ़ी बहुल इलाका है विशेष समुदाय का यहाँ पर, वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे, उनको लगातार पुलिस समझाती रही लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए, हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिसजनों को भी और बाकी लोगों को, हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है।
स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कुछ शरारती तत्व दोबारा से गलियों में आकर के नारेबाजी या ईंट पत्थर ना फेंकने लगे। उसके लिए यहाँ फोर्स पूरा मुस्तैद है। आप देख रहे होंगे अभी पूरा रास्ता खाली करा लिया गया है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी संभावना हमेशा बनी हुई है कि गलियों से कुछ लोग आकर के बदलाव न करने लगे। इसलिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स जो सैकड़ों की संख्या में है, रैपिड एक्शन फोर्स भी है, सभी मुस्तैद हैं, अधिकारी भी यहाँ पे मुस्तैद हैं। चार कंपनी PAC यहाँ पे ऑलमोस्ट है और कई कंपनी PAC और आ रही है, उसके लिए मुख्यालय को बताया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स भी आ रही है और कई ज़िलों से फोर्सेज आ रही हैं यहाँ पे। तो पूरा प्रयास यही है कि हमको जनता का ज़्यादा नुकसान ना हो, उसी का प्रयास किया जा रहा है। अभी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है, सतर्कता की आवश्यकता है। एक इसी वाहन को रिक्शे के पहिए में किसी ने आग लगा दिया था, जिसको बुझा दिया गया। ऐसी गाड़ी में भी हाँ, उसमें भी प्रयास किया है, तुरंत फायर टेंडर की गाड़ी वहाँ पहुँच गई, मौके पर काबू कर लिया गया। बाकी जांच पड़ताल में जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी भी हुई है किसी? कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, कुछ उपद्रवियों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, उनको देखा जा रहा है। फिलहाल ये प्रयास है कि आगे कुछ बातें ना बढ़ें, इसके लिए यहाँ पर